नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, कल की क्लास में हमने प्रीवियस को रिवाइज किया था। जो हम ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले कर चुके थे उसको हमने, और आज अब हम ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अपनी ऑनलाइन क्लास में दोबारा से आप सबका स्वागत करते हैं। तो नमस्कार एवरीवन। तो आज हम अपना पाठ 4 स्वच्छ भारत, आप सब जानते हो स्वच्छ भारत यानी साफ सफाई हमारे देश में, हमारे घर में, हमारे आसपास के एरिया में हमको क्या रखनी चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, हमको खुद साफ सफाई से रहना चाहिए, जब ही हमारा भारत स्वच्छ भारत कहलाता है। तो आप सभी मेरे साथ अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक सुनहरी धूप का पेज नंबर 30 पार्ट 4 स्वच्छ भारत को ओपन करेंगे, और मेरे साथ साथ उसमें इतनी प्यारी आपको एक स्वच्छ भारत के ऊपर कविता दी गई है, जिसे मेरे साथ पढ़ोगे समझोगे। तो मैं उस कविता को आपको चित्रों के माध्यम से कंप्लीट पूरा समझाऊंगी, लेकिन आपको बहुत अच्छे से वो समझनी है। आपको पता है जब हमारा पाठ, चाहे वो कविता हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो लेखन कुछ भी हो, अगर वो पाठ हमें अच्छे से समझ में आ जाता है, हमें याद हो जाता है, तो हम उस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उस पाठ में से हमको कहीं भी इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जब हमें अपना पाठ समझ में आ गया है और पाठ हमें याद है, तो हम कहीं से भी किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपना पाठ 4 स्वच्छ भारत। सबसे पहले आपको पाठ के अंदर क्या क्या चीज बताई गई है, पाठ आपसे क्या कहना चाह रहा है उसको पढ़ेंगे। स्वयं साफ रहना यानी खुद को साफ रहना, और अपने आस पास साफ सफाई रखना। ये नहीं है हम खुद साफ है, हमारा घर साफ है, बाहर कितनी भी गंदगी पड़ी है, नहीं, उससे हमारी स्वच्छता कंप्लीट नहीं होती। तो स्वयं साफ रहना और अपने आस पास सफाई रखना बहुत जरूरी है। हम सब मिलकर भारत को स्वच्छ बनाएंगे जब हम सब मिलकर ये प्रण लेंगे कि हमको अपने आप को, अपने घर को, अपने आसपास एरिया को स्वच्छ बनाना है, तो हमारा भारत खुद कंप्लीट स्वच्छ हो जाएगा। तो चलिए एक कहानी, एक कविता है छोटी सी। नेहा ने एक केला खाया। तो पता है मैंने केले का चित्र बनाया। नेहा ने एक नाम है एक बच्ची का, जिसने क्या खाया है, केला खाया। छिलका वहीं गिराया, खाकर केला खा लिया, केले का छिलका वहां जहां खड़े थे वहीं गिरा दिया, ना कोई डस्टबिन में डाला, ना कहीं किसी कचरे उसमें डाला। तो केले का छिलका जहां पर खड़े थे उसने केला खाया था, उसके छिलके को उसने वहीं पर गिरा दिया। तभी वहां एक चिड़िया आई। आप सबने चिड़िया देखी है, वहां पर उसी समय जब नेहा ने केला खाकर छिलके को वहीं गिराया था, तो वहीं एक क्या आई, उड़ती उड़ती चिड़िया आई। कौन आई, चिड़िया आई। तो देखो चिड़िया को कितना गुस्सा आ रहा है, सिर पकड़कर वह जल लाई। चिड़िया ने अपना सिर पकड़ लिया और उस पर नेहा पर बहुत तेज से वो झल्लाई यानी चिल्लाई, गुस्सा किया। क्यों किया, क्योंकि नेहा ने गंदगी फैलाई थी, छिलका वहीं पर गिरा दिया था। नेहा ने एक केला खाया, केला खाकर छिलका वहीं गिराया। तभी वहां एक चिड़िया आई, सिर पकड़कर वह जल गई। अब देखिए आगे क्या होता है। अपनी चोंच खोल चिड़िया ने, चिड़िया को इतना गुस्सा आ रहा था कि अपनी चोंच को खोला और उसमें छिलके को उठाया। अपनी चोंच खोली और उस छिलके को उठाया, उस छिलके को तुरंत उठाया। अपनी चोंच खोल चिड़िया ने उस छिलके को तुरंत उठाया, छिलका कूड़ेदान में डाला। किसमें डाला छिलका, कूड़ेदान में डाला। प्यार से नेहा को समझाया, फिर उस चिड़िया ने प्यार से नेहा को समझाया। क्या समझाया, कि हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, अगर हमारा कोई कचरा है तो हमें कचरे पात्र में डालना चाहिए, हमें इधर उधर
नहीं फेंकना चाहिए। हम लोग कितना कचरा इधर उधर फेंक देते हैं, हम रोड पे जा रहे हैं, कुछ खाते हुए हमारे हाथ में कुछ भी है हम यूं ही डाल देते हैं, तो वो धीरे 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 सारी गंदगी इधर उधर उड़ती रहती है। अगर हम डस्टबिन में डालते हैं तो डस्टबिन कचरे पात्र में डालते हैं, तो कचरा जो ले जाने वाले होते हैं कहीं ले जाके एक जगह करके उसको डालते हैं, तो वो इधर उधर नहीं फैलता, तो हमारा हाथ स्वच्छ रहती है, साफ सफाई रहती है। तो अपनी चोंच को चिड़िया ने उस छिलके को तुरंत उठाया, छिलका कूड़ेदान में डाला, नेहा को प्यार से समझाया। यही समझाया, जैसे मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमें अपने घर को, अपने आप को, अपने आस के एरिए को साफ रखना चाहिए, कहीं गंदगी, अगर हम सब मिलकर ये प्रण लेंगे तो गंदगी नहीं फैलेगी, गंदगी कचरेदान में रहेगी, कचरादान तो जाके एक जगह चला जाता है, वो इधर उधर नहीं डालते हैं। तो ये आपको मैंने दो पैराग्राफ आपको समझाए हैं पेज नंबर 30 के, नेक्स्ट पेज इसमें और कविता है, लेकिन आज आप पहले इसको कविता को अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे चित्र सहित, इसी प्रकार आपको ये कविता अपने कॉपी में भी सुंदर सुंदर लेख में लिखनी है, चित्र के साथ लिखनी है, जिस प्रकार मैंने चित्र बनाए हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी कविता के अंदर किन किन चित्रों का प्रयोग करते हुए किसके बारे में बताया गया है। आपको पता भी चलता है कि चिड़िया कैसी होती है, कचरा पात्र कैसा होता है, केला कैसा होता है, छिलका कैसा होता है, हालांकि हम जानते हैं, लेकिन एक एक चित्र के साथ बनाना, एक्सप्लेन करना, समझना एक अलग ही होता है। तो आप चित्र के साथ इस कविता को सबसे पहले पढ़ोगे, समझोगे, याद करोगे, उसके बाद अपनी सुंदर लेख द्वारा कॉपी में लिखोगे। अगले क्लास में हम इसी पाठ के साथ नेक्स्ट कविता में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।